समाज के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। योगी मोदी, योगी मोदी। उत्तर प्रदेश की सियासत का एक अलग ही अंदाज है, और अंदाज हो भी क्यों ना, क्योंकि शुरू से ही हर बार इस राज्य में चुनाव एक अलग मुद्दे पर लड़ा जाता है। और अहम बात ये होती है कि सारी पार्टियां अपने मुद्दों को नजरअंदाज कर अपनी सियासत का सिक्का जमाने में लग जाती हैं। उन्हीं में से एक बड़ा नाम है मायावती, जिन्होंने अपने 5 दशक के लंबे सियासी सफर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। सूबे की सत्ता में कई बार बेदखल हुई है तो कई बार विराजमान भी, लेकिन मौजूदा समय में एक के बाद एक 4 चुनाव हारने और पार्टी नेताओं की बगावत ने उनकी राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं, जिसके कारण उनको अपने कई दिग्गज नेता खोने पड़े। 2012 के बाद से मायावती को कोई जीत हासिल नहीं हुई है। मायावती का बेस वोट बैंक दलित रहे। इन दलितों के साथ जब जब कोई अन्य वोट बैंक जुड़ा, मायावती ने तब तब करिश्मा किया। 2007 विधानसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। आइए जानते हैं आखिर क्या है मायावती की सत्ता पलट का कारण। 2007 में सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला अपनाते हुए दलित और सवर्णों के वोटों से जीतकर सत्ता में पहुंची मायावती, जब 2012 विधानसभा चुनाव में उतरी तो महज 80 सीटों पर सिमट कर रह गईं। इसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव हुए जिसमें बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली, जिसके बाद 2017 में विधानसभा चुनाव हुए। जो बीएसपी 2012 में 80 सीटों पर काबिज थी वो 18 सीटों पर आ गई। आपको बता दें कि मायावती के पास शुरू से ही दलित और मुस्लिम वोट बैंक का गठजोड़ रहा है, लेकिन अब मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटक रहा है। यूपी में गैर जाटव दलित वोटों की आबादी तकरीबन 8-10% है। इनमें 10-60 जातियां और उपजातियां हैं, और ये वोट विभाजित होता दिख रहा है। गैर जाटव दलित मायावती का साथ छोड़ चुका है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में गैर जाटव वोट बीजेपी के पाले में खड़ा दिखा है, लेकिन किसी भी पार्टी के साथ स्थिर नहीं रहता, जो साफ साफ 2012 के बाद से हर चुनाव में दिख रहा है। मायावती शुरू में सहूलियत के लिए राजनीति करती आई हैं, और इसके लिए उन्होंने हर नए फॉर्मूले को आजमाया है, पर हर बार अपने अहम मुद्दे पर नजर अंदाज करती रही। शायद यही कारण है कि जमीनी हकीकत से दूर रही। अब हाल ये हो चुका है कि उनकी राजनीति ट्विटर पर ही सीमित रह गई है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि गठबंधन का सहारा छोड़ मायावती इस बार 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में अकेले उतरने की तैयारी कर रही हैं। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में 2007 की तरह बीएसपी की जीत का दावा भी कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीएसपी अकेले चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।